नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अगर आप अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं तो ये बात आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे विश्वविद्यालय लगातार बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें एक तरफ छात्रों के लिए 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शामिल है तो वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के लिए भी अलग अलग तरीके के बदलाव आए हैं। इन बदलावों की परिणति ये हुई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाल ही में डूटा के इलेक्शंस होने हैं और इतिहास में पहली बार DTF और ADTA एक साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हैं हमारे साथ दो फॉर्मर डूटा प्रेसिडेंट्स, नंदिता नारायण और आदित्य मिश्रा। आदित्य सर ADTA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंदिता मैम DTF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों से हम अलग अलग मुद्दों पर सवाल करेंगे। आदित्य सर, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करता हूँ। जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इससे कुछ दिन पहले ही जो है एक पूरा प्रोविज़न जो है ग्रेडेड ऑटोनॉमी को, या जिसे ग्रेटर ऑटोनॉमी कहा जा रहा है, उसको लेकर हुआ है। इसके तहत जो है अगर हम UGC के रेगुलेशंस को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो ग्रेटर ऑटोनॉमी है उसके तहत जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अपने फ़ंड खुद जुटाने होंगे। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो इसका असर जो है कैसे पड़ेगा? जहाँ पर ये कहा जा रहा है ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो एक प्राइवेटाइजेशन का डॉक्यूमेंट है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दो और सरकार अपने पल्ला झाड़ लेगा, कोई फंड फिनांस कुछ नहीं करेगा। देखिए, कहीं तो हमारा 2013 में 4.7% का एलोकेशन था शिक्षा के ऊपर, अब घट करके 2.5% में आ गया, जिसमें इन्होंने हेफा में जो लोन दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको भी सम्मिलित कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि अभी कॉलेजेस में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल रीएम्बर्समेंट के लिए पैसा नहीं है। आपने सही कहा कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी का क्या है। मैं एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी का डॉक्यूमेंट से दो लाइन पढ़ करके जो विथिन कोर्ट से आपको बता देता हूँ। थ्रू ए सुटेबल सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रेडिशन एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी एंड इन ए फेज्ड मैनर, जो हमारा यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, एकेडमिक काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया डिस्पाइट आवर ऑपोजिशन, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया विल एम टू बिकम इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। अगेन अनकोट, कोर्ट के अंदर में फिर दोबारा, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ फिनांसिंग कोर्सेज हैविंग देयर ओन फी स्ट्रक्चर। जब आपका बिल्डिंग का रखरखाव, टीचर्स का तनख्वाह, कर्मचारियों का तनख्वाह, बिजली का बिल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सारा का खर्चा अब वो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को बियर करना होगा और सरकारी मदद नहीं मिलेगी, ये है ग्रेडेड ऑटोनॉमी। इसका नुकसान क्या होगा? इसका असर क्या पड़ेगा समाज के ऊपर? उसका असर पड़ेगा, देखिए, सबसे पहले समाज के ऊपर ये असर पड़ेगा कि शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का मूल ढांचा है और मूल नींव है जिसके तहत सामाजिक परिवर्तन होता है। अब गरीब घर के लोग, पिछड़े तबके के लोग, आदिवासी अनुसूचित वर्ग के लोग, ये सभी लोगों का एस्पिरेशन है कि हम शिक्षा के प्राप्त करके हमारा सामाजिक परिवर्तन होगा। अब इनके रास्ते के लिए, इनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो छात्रों के ऊपर पड़ेगा। अब ये छात्रों के ऊपर पड़ेगा तो कितने परसेंटेज छात्र, अभी लॉ फैकल्टी का इन्होंने 5 साल का कोर्स चालू किया, 1,97,000, ये तो एक शुरुआत है। आप एक साल के, हाँ एक साल, तो अब कोई कोर्स और शुरू किया 2,00,000 रुपया में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और नीचे वर्ग के लोग, गांव के लोग इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं? स्वाभाविक है कि शिक्षकों को देने के लिए इसमें पैसा नहीं होगा, तो इन्होंने एक नया प्रथा आरंभ किया है, प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस। ये 10,000-20,000 रुपये में उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनका कोई योग्यता नहीं होगा, ऐसे ही लोग मिलेंगे 10,000-15,000 रुपया में। तो ये जो तनख्वाह टीचर पा रहे हैं, अच्छे पैसा नहीं देंगे तो अच्छे लोग नहीं आएंगे। इनको अच्छे लोग नहीं चाहिए, शिक्षा को मजबूती नहीं चाहिए,
ये चाहते हैं कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट घरानों के हाथ में चला जाए, वो चलाएं और उसका जो भी ये कोर्सेस वो शुरू करे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से वो सब कुछ तय करेंगे। इसकी शुरुआत देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस डूटा के और सारा हिंदुस्तान देखता है, जिस डूटा के और सारे शिक्षक समुदाय देखता है, वो डूटा का लीडरशिप आज इन सारा चीज़ों का अप्रूवर हो गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, जब आदित्य सर बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन की, तो हम जैसे कहें कि एफआई जैसी बॉडी जो है वो तो सरकारी बैंक है, कैनरा बैंक के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक जॉइंट वेंचर है, और अक्सर जो है बात गाहे बगाहे ये भी हो जाती है कि जो ये एंडाउमेंट बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वेस्ट चला सकता है, हार्वर्ड चला सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं चला सकते? आप इस पे कहना चाहेंगे? ऐसा है कि वेस्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, आप सिर्फ हार्वर्ड और एक आध इंस्टीट्यूशंस की बात मत सोचिए, और वहाँ पे भी फीस बहुत ज़्यादा होती है, या तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं या फिर उनका अपने जो अफोर्ड कर सकता है वही जा सकता है, लेकिन 90% लोग दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जो पब्लिक फंडेड होती हैं वहाँ पे भी। और अमेरिका फिर भी काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करता है अपने GDP का हिस्सा पब्लिक फंडेड एजुकेशन में, तो और स्कूल एजुकेशन टोटली फ्री होता है, तो इस तरह से आप कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। हमारा देश जो गरीब देश है, हमारे देश में पब्लिक फंडेड एजुकेशन की अहमियत यही है कि डेमोक्रेसी सही मायने में अगर लानी है तो एम्पावर करना पड़ेगा सब हर नागरिक को, गरीब से गरीब नागरिक को, लास्ट मैन इन द लाइन, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे, एक्सेस देना पड़ेगा ताकि उसको भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले। एक चीज़ मैं ये ग्रेडेड अटोनमी का कहना चाहती हूँ कि अभी जो गजेट ऑफ इंडिया में डाला गया एकेडमिक काउंसिल के एजेंडा में, बीच रात में एक दिन पहले आए, पढ़ने का समय नहीं देते हैं बिल्कुल हमारी अथॉरिटीज़, और इसमें कम से कम जो 8 पैराग्राफ्स है उसमें 7 पैराग्राफ्स में बशर्ते आप खुद अपना फंड जनरेट करेंगे जैसे आदित्य भाई ने बताया, और ग्रेडेड अटोनमी है ये। ग्रेडेड अटोनमी एक दो तीन ग्रेड है, हमें फर्स्ट ग्रेड की दी गई है, किसी से पूछा नहीं गया, कभी कंसल्ट नहीं किया, ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग आइटम में आया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अटोनमी तो ख़त्म कर दी, ये सिर्फ फाइनेंशियल अटोनमी यानी पैसा खुद जुटाओ, सरकार नहीं फंड करना चाहती है क्योंकि वो चाहती नहीं है कि जनता का पैसा जिसके ऊपर सरकार बैठी हुई है, सब देते हैं टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी होता है, वो जनता के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, चाहे वो क्रोनी कैपिटलिस्ट हों जैसे भी हों, हम सबको मालूम है। तो इसमें अटोनमी तो हमारी यूनिवर्सिटी की ख़त्म कर दी, ना आप एडमिशन प्रोसेस तय कर सकते हैं, फॉसिबली CUET करना पड़ रहा है जो सब स्टैंडर्ड है, डाइवर्सिटी नहीं आ रही है, लड़कियाँ नहीं आ पा रही हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, दूसरा कि आपके जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उस पर आपको कोई फ्रीडम नहीं है, सिलेबस भी कहीं और से बन के आ रहा है, कौन सी अटोनमी, एग्जाम स्कीम पे भी हमारी कोई अटोनमी नहीं बची है। जो चीज़ मैं कहूँ कि जब ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पे बैठे हैं उसके बिल्कुल बगल में हिंदू कॉलेज है, और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का सवाल पूरी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमने एक सुसाइड भी देखा। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के सवाल पर, मैं आपका मेरा जो सवाल है दोनों से है, अगर हम इसको देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आप हमारे मतलब व्यूअर्स को बता पाएँ कि शिक्षकों पर कैसा असर पड़ा है इस डिस्प्लेसमेंट का, दोनों से सवाल है। हाँ, मैं चाहूँगी आदित्य भाई पहले उसका जवाब। देखिए मैडम, जब प्रेसिडेंट थी तब हमने एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया था, डूटा जनरल बॉडी का प्रस्ताव था कि जो जहाँ काम कर रहा है, जो एडहॉक टीचर काम कर रहा है, दे आर ऑल क्वालिफाइड, उनका नियुक्ति एक सिलेक्शन कमिटी के माध्यम से होती है जो इसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और UGC का हर मापदंड को वो पूरा करते हैं, जीवन का रिसर्च करने के बाद इस पड़ाव में आकर के उनका एडहॉक का नौकरी लगता है, जो जहां काम कर रहा है उसको वहां पर मिलेगा और वहीं पर वो परमानेंट होगा। आंदोलन भी हुआ, इसके उपरांत जो मौजूदा डूटा का लीडरशिप है ये इस डूटा का रेजोल्यूशन को कंप्लीटली तोहिन किया, और आज नतीजा यह है कि 75-80% जो टीचर्स काम कर रहे थे, जो 25-25 साल काम कर चुके थे, जो 10 साल काम कर चुके थे, जो 5 साल काम कर चुके थे, जो 15-16 साल काम कर चुके थे बहुत सारे कॉलेजेस में, उनको हटा दिया जाता है। उनका रोजी रोटी का समस्या क्या होगा, अपने घर का बिल कैसे देंगे, जो किस्त पे मकान ले रखा है वो किस्त का मकान जा चुका है सबका,
वो किस्त नहीं भरेंगे तो बैंक आकर के कब ताला ठोक चुका है। ये अनुभव के आधार पर कह रहे हैं हम, बने प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम देख रहे हैं ये सारे चीज। लोग जिंदा, एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया, हम उसके साथ हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने मिलकर के, हम लोगों ने सब ने कंडोलेंस मीटिंग किया, प्रोटेस्ट मीटिंग किया, सब कुछ किया, किसी का कान में जू तक नहीं पड़ा। और इसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट चालू है, ढूंढा जा रहा है कि आपको कैसे पनिश किया जाएगा। अरे अभिव्यक्ति का ही शिक्षकों का एक मूल करैक्टर है, अगर वो अपने भावनाओं का ही अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, उसके आधार पर उनको पनिश किया जाएगा, उनका शकल देख करके पनिश किया जाएगा, लिस्ट जो आती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को हटाया जा रहा है, उनको पता है क्या गूंज रहा है, बीत रहा है टीचर्स के ऊपर, और डूटा इसमें बिल्कुल हिस्सेदारी है इन सबको निकालने के लिए। डूटा का जो लीडरशिप है, डूटा के जो पदाधिकारी है, वो इसमें सम्मिलित है। दुर्भाग्य की बात यह है, डूटा बनी थी शिक्षकों का हितों का रक्षा करने के लिए, डूटा बनी थी उच्च शिक्षा का हितों को रक्षा करने के लिए, डूटा नहीं बनी थी कि शिक्षकों का इज्जत को, शिक्षकों का प्रतिष्ठा को, शिक्षकों को घुटने पर खड़ा करने के लिए। तो सर एक जो चीज़ और हम लोगों के मतलब गाहे बगाहे आ जाती है बात में शिक्षकों के बीच में, कि वर्कलोड के जो नॉर्म्स हैं क्या उसको उनको भी जो चेंज किया गया है। देखिए वर्कलोड का नॉर्म्स मैडम बढ़िया से बता देगी, मैं इतना बताना चाहता हूँ, इन्होंने शिक्षा को मजाक बना दिया। उन लोगों ने इस सारे पॉलिसीज को ड्राफ्ट किया जिनको उच्च शिक्षा का कोई भी एक लेटर भी, एजुकेशन का ई लेटर भी पता नहीं है। पहले हम पांच क्लास पढ़ाते थे, मैं मूल तौर से आपको बता रहा हूँ, और इंटरनल असेसमेंट देते थे 25 नंबर का, अब कर दिया 3 क्लास में आप उसको ख़त्म करिए पर वीक, पर वीक। पहले 5 क्लास होता था, अब इसके बाद जो ट्यूटोरियल का जो नंबर था, जो स्टूडेंट का नंबर था, आप अमेरिके की बात करते हैं, अमेरिका में बात ये होती है इलेक्शन के समय में कि क्लासरूम का स्ट्रेंथ क्या होगा, इसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का अलग अलग पोजिशन होती है। यहाँ उसको डबल कर दिया, प्रैक्टिकल का नंबर को डबल कर दिया, और जो अवधि है उसको घटा दिया, और ये 5 क्लास जो पहले लेते थे उसको 3 क्लास में तब्दील कर दिया। टीचर्स का तो वर्कलोड घट गया, सबसे नुकसान किसका हुआ, जो उच्च शिक्षा के दरवाजे पर आए हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको आपने एक बार में ये कह दिया कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, सॉरी, कि वो जो डिस्प्लेसमेंट की आपने बात की, तो आप देखेंगे कि जो 75% एकदम सही कह रहे हैं आदित्य भाई कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो लोग पढ़ा रहे थे फिर इन्होंने इंटरव्यू फेस किया, और सबसे ज़्यादा मैसेकर ऑलमोस्ट 90% हुआ है उन कॉलेजेस में जहाँ पे प्रिंसिपल्स डूटा लीडरशिप के जो पार्टी है NDTF उससे बिलोंग करते हैं, उनके प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। उसमें कई कॉलेजेस हमारे ध्यान में आते हैं, जैसे हंसराज, जैसे रामजस कॉलेज, जैसे लक्ष्मीबाई कॉलेज, तो यहाँ पे सबसे बुरा हाल हुआ है। और भी अलग अलग कॉलेजेस में डिफरिंग परसेंटेज है, लेकिन ओवरऑल 75% हुआ है। कुछ लोगों को उन्होंने कहीं और करवाया है, लेकिन वो बहुत माई बाप करके लाइन लगी रहती है, तो हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं रहा कि जिसका हक था उसको अब प्लीड करना पड़ रहा है डूटा से कि कहीं हमारा करवा दो। और ये क्या इधर से उधर करवाने की बात है, तो और ज़्यादातर लोगों का कहीं भी नहीं हुआ है, वो ऑलमोस्ट वो भी बहुत मेंटल उस स्टेट में है, जैसे कि हमारे समरवीर साथी थे जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही कहूँगी जिनका हुआ है। और साथ साथ मतलब जिस तरह से एक्सपर्ट्स को मैनिपुलेट करके, मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, एक्सपर्ट्स को इस तरह से चुना जाता है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग हैं और एक लिस्ट लाते हैं, उनको बताया जाता है इन्हीं का होना है, और उन कॉलेजेस में अब जो एक्सपीरियंस टीचर्स को बाहर करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या होगा, है ना।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिनका हो गया है उसमें कुछ अच्छे लोग भी आए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है और जो होना चाहिए था, जो जस्टिस होने चाहिए थे हमारे एडहॉक टेम्पररी टीचर्स के साथ जो इतने सालों से लगे थे और उनकी उम्र हो गई, कहीं और नहीं जा सकते। ये वर्कलोड ने क्या सीट्स को खत्म किया, ये कैसे हुआ ये बताइए। भूचाल मचा हुआ है हर कॉलेज में, ये क्या बता सकते हैं हुआ कैसे? बता रहे हैं ना, जैसे कि आप टीचर्स का वर्कलोड किस पे होता है ना, आपका होता है कि आप अगर 16 पीरियड होंगे या 14 पीरियड होंगे उस पर आपको एक पोस्ट मिलेगी, 16 पीरियड पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारा वर्कलोड बनता है कि क्लासेस कितने लेते हैं, ट्यूटोरियल्स कितने लेते हैं, प्रैक्टिकल्स कितने लेते हैं, सब मिलके बनता है, उसमें इन्होंने जो कटौती की है इन द नंबर ऑफ पीरियड्स दैट आर अलॉटेड टू ईच कोर्स, वो 5 से 3 कर दिया। वो अपने आप में कितना बड़ा मतलब 40% रिडक्शन हो गया ना वहाँ पे आपका नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्कलोड। तो नेचुरली फिर आपके जो टोटल नंबर ऑफ टीचर जो अपॉइंट करते हैं 16 से गुना करके, अब टोटल वर्कलोड को जब देखते हैं, जो डिवाइड करके देखते हैं, तब आपके नंबर ऑफ पोस्ट कम हो जाते हैं। अब स्क्रैम्बल चल रहा है कैसे बचाएं टीचर्स को, तो जो बहुत ही सबस्टैंडर्ड जो इन्होंने वैल्यू एडेड कोर्सेज और जिसमें तब तक कोल्ड डेजर्ट बनाना, पुडिंग बनाओ और हैप्पीनेस क्लासेस, जिससे कोई मतलब इस इंस्टीट्यूशन में कोई मतलब नहीं होता है, आप डाइल्यूट पूरे कोर्स को कर रहे हो, लेकिन हमें ज़बरदस्ती ये सब पढ़ाना पड़ रहा है। तो देखिए क्लस्टर कॉलेज कर दिया, हाँ, उसमें भी ये क्लस्टर कॉलेज क्या होता है पहले ये बताइए आप, मतलब किस हाँ, कुछ कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, और भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं जो कंपलसरी होते हैं। उसमें एक तो इंग्लिश हटा दिया इन्होंने, ये भी बहुत बड़ी बात है, आपको या तो हिंदी या संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मलयालम अगर पढ़ना चाहते तो टीचर नहीं है। तो इनके लिए इन्होंने क्लस्टर कॉलेजेस बनाए हैं, यानी कि कॉलेजेस को क्लस्टर में बांट के एक टीचर लेगा, स्टूडेंट्स को अपने क्लस्टर में दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ेगा। और ये क्लस्टर क्लासेस हो नहीं रही हैं क्योंकि टाइम टेबल ही नहीं परमिट करता है, हमारी टाइम टेबल सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं इतनी आसानी से, कम्यूट करना पड़ता है दिल्ली जैसे शहर में, अल्टीमेटली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन शिक्षा तो बिल्कुल ही मतलब उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं हो पाती है ना। एक जो सवाल है जिसे हम कहें ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको लेके हजारों की संख्या में जो है जो कर्मचारी थे वो रामलीला मैदान पहुँचे 2 दिन पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेंशन्स को लेके ये जो नई पेंशन व्यवस्था है, इसका असर आप लोगों को कैसे दिखाई दिया है शिक्षकों पर? भयावह, मतलब आप अनुभवों से आप अपने दुखद बात ये है कि कोरोना के समय में बहुत हमारे नौजवान साथियों का मृत्यु हुआ है जो न्यू पेंशन स्कीम में थे, जिनके घर में बाल बच्चे हैं, उनका परिवारजनों को कुछ भी नहीं मिला है। तो हम ये साफ तरीके से शुरू से हम लोगों का ये मानना था कि ये न्यू पेंशन स्कीम नो पेंशन स्कीम है। आज पंजाब में हो चुका है, हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, और कई स्टेट्स में न्यू पेंशन स्कीम को हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम में जा चुके हैं। हमारा डिमांड है कि न्यू पेंशन स्कीम को हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा वापस हो, और ये हमारा प्रमुख मांग है। जो शिक्षक साथी हमारा लगे हैं वो बाइज्जत रहें, हम इनके नकारात्मक राजनीति में हम विश्वास नहीं करते हैं, दूसरा हटाने के राजनीति में विश्वास करते हैं, तो हम उनको थैतान का राजनीति में विश्वास करते हैं, हम उनको समृद्ध करने का राजनीति में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो प्रमोशन भी हो उसमें टोटल लेंथ ऑफ सर्विस जो उनका प्रमोशन का हर लेवल में काउंट हो, नहीं कि एक लेवल। सर आपने प्रमोशंस की बात की, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, देखिए प्रमोशन में आमतौर पे धारणा ये है कि आपके पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी शिक्षक का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो शिक्षा पे कैसा असर पड़ता है? हाँ, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है ना। आप चाहते हैं कि थोड़ी एक अपवर्ड मोबिलिटी हो, कोई भी स्टूडेंट कोई जॉब सेलेक्ट करता है तो देखता है कि मेरे प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे उसमें, और फाइनली फाइनेंशियल एक कंसिडरेशन होता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, आपके खर्च बढ़ते हैं, बच्चों की भी ज़रूरतें होती हैं, तो इसलिए आपको एक अपवर्ड मोबिलिटी की एक उम्मीद रहती है, उसे इंसेंटिव भी रहता है। आप एक जगह फंस जाते हैं, जैसे बहुत साल प्रमोशन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। हाँ, OPS में ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये तो हमारी डिमांड है जो पूरे देश में है, लेकिन इसके लिए डूटा ने कोई भी संघर्ष नहीं किया, ये भी हमारी शिकायत है। एक ऑल इंडिया आंदोलन जो चल रहा है उसमें भाग नहीं लिया, और जो लोग भाग ले रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि जाने की ज़रूरत, उनको धमकी दे रहे हैं कि उनको एक्शन, और ये सारा डूटा का लीडरशिप के श्रेय पर हो रहा है। और एक और चीज़ भी है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम तो हम चाहते हैं, क्योंकि नो पेंशन स्कीम, पूरी दुनिया में लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं,
लेकिन अभी जो पेंशन जिसको मिली हुई है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के जो आए हैं, और जो पहले से जो पेंशन पा रहे हैं उनकी पेंशन रिलीज ही नहीं हो रही है। इतने कॉलेजेस में, दयाल सिंह कॉलेज जो हमारे बूटा प्रेसिडेंट का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेज है, 3-3 महीने एडहॉक की सैलरी और पेंशन आ नहीं रही है, और कभी कभी आती है तो पार्शल आती है। तो पूरे यूनिवर्सिटी में एक क्राइसिस है ये पेंशन और सैलरी का, और ख़ास तौर से एडहॉक सैलरी का। शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। ये थे नंदिता नारायण और आदित्य मिश्रा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ।